मैं तो साथ कालीप्रिया की तरफ से आप सबको नमन, ओम काली। तो आज मैं आ गई हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि साधक को किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए, और सिर्फ किस प्रकार का ही नहीं, भोजन के संदर्भ में उसको कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ठीक है, तो उस पर डिस्कस होगा। तो वीडियो शुरू करो उससे पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे, उपयोगी लगे, तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। देवी की सब पे असीम कृपा रहे, ओम काली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको 8 पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसको आपको अपने जीवन में ज़रूर उतारने चाहिए। आप चाहे साधक हो या नॉन साधक हो, आप उतार सकते हो। और जो साधना मार्ग में काफ़ी प्रोग्रेस चाहते हैं या फिर जो एडवांस लेवल पर जा चुके हैं, उनको ये सावधानियाँ ज़रूर ही बरतनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो पहली बात है, जो पहला बिंदु है जो एक साधक को ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि जब भी वो भोजन करने बैठे तो भोजन का एक अंश ज़रूर ईश्वर को समर्पित करें, अपने ईष्ट को समर्पित करें, अन्नपूर्णा देवी को समर्पित करें। क्यों? हमारे हिंदू धर्म में हमने सीमिंगली जो दिखने में नॉन लिविंग चीज़ें हैं उन सब को भी पर्सोनिफाई करके रखा है, क्योंकि हमें पता है उन सब में प्राण है। पेड़ को भी हमने पर्सोनिफाई करके रखा है, उनकी भी हम पूजा करते हैं। सूर्य को भी हमने पर्सोनिफाई करके रखा है, उनकी भी हम आराधना करते हैं। वैसे ही ये जो भोजन हुआ, ठीक है, जो हमारे जीवन का मूल आधार है, इनको भी हम पूजा करते हैं अन्नपूर्णा देवी के रूप में। तो जब हम भोजन कर रहे हैं, भोजन के लिए बैठ रहे हैं, तो जब हम एक अंश उसका हम देवी देवता पर अपने ईष्ट को ही समर्पित करते हैं, तब हम एक तो अपने लाइफ में हम्बलनेस उतारते हैं, हम हम्बल बनते हैं, जो कि साधक को होना ही चाहिए। ठीक है, एक साधक अगर हम्बल नहीं है तो वो क्या है? ठीक है, साधनाएं अगर उसमें हम्बलनेस नहीं ला रही है, अगर ईगो ला रही है, तो वो कोई साधना वाधना में नहीं है, वो एक तामसिक साधक आप बोल सकते हो। अगर आपको सात्विक साधक होना है, तब आपको ये बिंदु ज़रूर माननी चाहिए कि एक भोजन का जो एक अंश है वो ईश्वर को समर्पित करें। इससे क्या होगा, आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन भी इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, आपका रिश्ता भी जुड़ेगा। जैसे घर में अगर कोई मेंबर होता है, हम उसको एक भोजन देते हैं ना, मतलब ऐसा तो नहीं सब हम ही गड़गड़ गड़गड़ कर खा लेते हैं, उसको भी भोजन देते हैं, उसको अच्छा लगता है कि हमें भी भोजन दिया गया। अभी दूसरा बिंदु है जो साधक को ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि जब भी वो भोजन कर रहा है तो उस पूरे टाइम के लिए उसको मन में एक विचार रखना चाहिए, और वो ये विचार है कि ये जो मैं भोजन कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा, ये मेरा देह कर रहा है और मैं देह नहीं हूँ। ठीक है, आप बोलोगे इसकी इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि साधक को अपने देह बोध से हटना पड़ता है और अपने आत्मबोध का स्पर्श पाना होता है। भोजन ही एक ऐसा चीज़ है जो जब से हम जन्म लिए हैं अभी तक हम उसी पर टिके हुए हैं, मतलब वही हमारा आधार है। हम कुछ दिन ना खाएं, हम बिस्तर पर पड़ जाएंगे, है ना। भोजन हमारा आधार है, तो भोजन ही है जो हमें हमारे शरीर के साथ जोड़ता है। तो जब हम ये बोलते हैं कि ये भोजन हमारा शरीर कर रहा है, हम नहीं, तब हम एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, और ये जो भोजन कर रहे हैं वो बस शरीर को चलाने के लिए कर रहे हैं, हमारी इसमें कोई इच्छा नहीं है, हम अपने स्वाद के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका भोजन से और अपने जो शरीर है उससे और जिह्वा के स्वाद से, रस से, आपका एक वैराग हो जाएगा उन सब वस्तुओं से, जो कि साधना में बहुत हेल्प करेगा। तीसरा जो है वो ये है, किसी के स्पर्श किया हुआ भोजन ना करें। ठीक है, बेहतर होगा अगर आप खुद खाना बनाएं और खुद ग्रहण करें। किसी और का भी बनाया हुआ भोजन आप ग्रहण ना करें तो बेहतर होगा। रीज़न यही है, देखिए जो साधना लाइन में नए नए आए हैं, नव सिखिया साधक, वो अगर ये सब नहीं भी माने चलता है, ठीक है, लेकिन जो साधना फील्ड में बढ़ रहे हैं और उनको और कुछ नहीं, साधना ही करना है, यही अपना सब कुछ है, उनको ये सब ज़रूर मानना चाहिए। क्योंकि जैसे ही कोई साधक साधना लाइन में प्रोग्रेस करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसके जो एनर्जीज होते हैं शटल होते रहते हैं, सूक्ष्म होते रहते हैं, और उनका जो माइंड है, उनका जो बॉडी है, सब सेंसिटिव होने लग जाता है। ठीक है, संवेदनशील होने लग जाता है। तब ये जो अगर आप किसी का स्पर्श किया हुआ भोजन खाएंगे ना, तो उसका जो एनर्जी ऑब्वियसली फूड में जाएगा, भोजन में जाएगा, तो वो शक्तियाँ भी आपको प्रभावित करेगी। पता नहीं वो कौन सी शक्ति लेके आया है, आपको तो अपना ऑरा स्ट्रांग रखना पड़ेगा ना, आपको अपना ऑरा अनटच्ड रखना पड़ेगा।
स्पर्शहीन रखना पड़ेगा अपना औरा को। तो अगर आप वैसा स्पर्श किया हुआ भोजन खा रहे हैं, तो आप किसी को अलाउ कर रहे हैं कि आप मतलब आपका सुरक्षा घेरा को क्रॉस करके आपके भीतर के को प्रभावित कर सके, ठीक है। तो वो आपको नहीं करना, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। घर में भी खा रहे हैं तो बेहतर होगा आप खुद का बना हुआ ही भोजन ग्रहण किया करें, ठीक है। चौथा जो है वो ये है कि दृष्टिपात किया हुआ भोजन भी अगर आप अवॉइड कर सके तो बेहतर है, यानी कि अगर आप अकेले भोजन कर सके तो बेहतर है, ठीक है। खुद खाना बनाइए, खुद खाइए, अकेले खाइए। इसका रीजन सुनिए, दृष्टि जो है आपने देखा होगा, नज़रों से सम्मोहन होता है, नज़रों से हिप्नोटिज्म होता है, नज़रों से शक्तिपात भी होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको स्पर्श ही करना पड़े, गुरु आपको नेत्रों से भी शक्तिपात दे सकता है। जब हम रेकी हीलिंग करते हैं, मैं रेकी हीलर भी हूँ, तो हमें बताया जाता है कि हम नज़रों से भी हीलिंग दे सकते हैं, ठीक है, बिना स्पर्श किए हुए। तो नज़रों में, आँखों में ऐसी पावर है, तो वही नज़रें जब अगर आपके भोजन को दृष्टिपात दे रही हैं, तो अब वो बंदा कैसा है, क्या भावना लिए हुए है, उसका एनर्जी कैसा है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। लेकिन हम तो साधक है ना, हमें तो प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। एक साधक को प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। जब वो तंत्र लाइन में आता है, साधन मार्ग में आता है, पहले तो उसको 1-2 साल सुरक्षा घेरा ही वो सिद्ध करने में उसका निकल जाता है। तो आप किसी को कैसे एक्सेस दे सकते हैं कि आपके एनर्जी सिस्टम के साथ खिलवाड़ करें, आपके एनर्जी सिस्टम को छुए, स्पर्श करें, है ना। तो दृष्टिपात दिया हुआ भी भोजन अगर आप अवॉइड कर सकते हो, जो है वो ये है कि श्राद्ध में भी जाके भोजन ना करें, श्राद्ध का भोजन भी ना खाएं, ठीक है। उसका भी ऑलमोस्ट वही रीज़न है, आप वहाँ पर जाओगे कितना गंदा सा एटमोसफेयर होता है, सब रोते धोते हैं, एक खुशनुमा तो एटमोसफेयर होता नहीं है, ठीक है। वो एक चीज़ होगा, वो आपके एनर्जी सिस्टम को अफेक्ट करेगा। दूसरा, जब डेथ होता है किसी का, तो उसको पहले बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती है, उसमें बहुत नेगेटिविटीज होती है, ठीक है, उस आत्मा में। तो वो एनर्जी भी फूड में जाता है। देखिए फूड में क्या होता है, पानी का तो कंटेंट रहता ही है खाने में, है ना। तो वो पानी जो होता है ना, मेमोरी रख लेता है, वो एनर्जीज को कैप्चर करके रख लेता है। और जब हम वो ग्रहण करते हैं, तो हमारे बॉडी का जो पानी का जो सिस्टम है, वो इसको फिर कैप्चर करके रख लेता है, जो कि हमें अफेक्ट करता है, हमारे साइकी को अफेक्ट करता है, हमारे माइंड बॉडी सब। अब जो मैं आपको छठा बिंदु बताने वाली हूँ, ये है कि अगर आप नॉन वेज अवॉइड कर सके तो बहुत बढ़िया है, यानी कि वेज ही खाएं। इसकी जब हम नॉनवेज खाते हैं, तो वो जो पशु जब मरा हुआ है, तो वो खुशी खुशी तो नहीं मरा हुआ है, और रो के मरा हुआ है, ठीक है, उसमें बहुत पेन रहता है, दर्द रहता है। तो अब उसका जो भी पेन है, जो भी दर्द है, वो खाने में चला जाता है, फूड में डिपॉजिट हो जाता है। तब जब हम उसको ग्रहण करते हैं, तब वही उसकी जो यातनाएं होते हैं, उसके जो संघर्ष होते हैं, उसके जो कर्म होते हैं उस जानवर के, वो कहीं ना कहीं हम अपने पर ले लेते हैं। भाई हम साधना कर रहे हैं अपना कर्म हटाने के लिए, अपने को कर्म से मुक्त करने के लिए, और यहाँ पर हम नॉनवेज खा के वो कर्म जमा कर रहे हैं, ये तो क्या ही बात हो गई, है ना। और दूसरी बात यह है कि ये जो नॉनवेज होता है, चूँकि ये बॉडी है ना उनका, ठीक है, बॉडी अगेन क्या है, देह बोध कराता है, राइट। तो जब हम ये नॉनवेज खाना खाते हैं, हमारा जो माइंड होता है तामसिक हो जाता है, इग्नोरेंट हो जाता है, देह का बोध फिर हमें ज़्यादा होने लग जाता है, ठीक है। जिह्वा का जिह्वा जो स्वाद लेता है, उस पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमें स्वाद चाहिए होता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साधक को अपना लाइफ जितना सिंपल करके रख सकता है, उतना ही बढ़िया है। साधक को स्वाद के पीछे नहीं भागना है, आराम के पीछे नहीं भागना है। अगर वो साधक है, अगर वो साधना में है, तो उसको बस साधना के पीछे ही। सातवां कारण बताती हूँ, सातवां जो बिंदु है वो बताती हूँ, वो ये है कि आपको मिल्क यानी कि गाय के दूध का सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ब्रह्मचर्या में काफ़ी हेल्प करता है। साधना में ब्रह्मचर्या मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो जो होता है काउ मिल्क से, गाय के मिल्क से हमें बहुत मदद मिलती है, क्योंकि क्या होता है, जो गाय का जो मिल्क है, हमारे बॉडी हमारे माइंड को काफ़ी शांत और शिथिल कर देता है, जो कि बहुत फेवरेबल कंड्यूसिव होता है ब्रह्मचर्या मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और हमारे सप्त धातु को भी वो मजबूत करता है। आठवां यानी कि जो लास्ट बिंदु है जो आपको जानना चाहिए, वो ये है कि जो उत्तेजक वनस्पतियां हैं उसका सेवन ना करें, यानी कि प्याज, देन लहसुन, मसालेदार जो खाना होता है, स्पाइसी फूड वो ना खाएं। फिर जो खट्टे जो फल होते हैं ना, साइट्रिक फ्रूट्स, वो सब भी ना खाएं, क्योंकि ये सब राजसिक फूड होते हैं। जब ये आप कंज्यूम करेंगे, तो आपका जो माइंड होगा वो राजसिक होने लग जाएगा, ठीक है, उत्तेजनाएँ आएंगी, ब्रह्मचर्य पालन करने में दिक्कत आएगा।
तो इन सब से भी परहेज करना है आपको, सात्विक बनना है, सात्विक आहार लेना है, ठीक है। आप साधना में जितने एडवांस लेवल पे जाओगे आपको इन सब बारीकियों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं हाय साधना में घुस गए, चार चार घंटे पाँच पाँच घंटे मंत्र जप कर लिया, साधक हो गए, हवन कर लिया, पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, कवच पाठ कर लिए, सब हो गए, हम साधक बन गए, मुद्राएं कर ली, नहीं। ये सब भी मेंटेन करना पड़ता है, ये सब बहुत इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। जितना आप एडवांस लेवल में जाओगे ये इफ़ेक्ट करता है। और अगर कोई ऐसा साधक, एडवांस साधक अगर मेरा वीडियो देख रहा होगा तो ज़रूर ये सब चीज़ समझ रहा होगा, वो ज़रूर मान रहा होगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें। देवी की सब पे असीम कृपा रहे। ओम काली।